नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ दीक्षा कवर। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास शुक्रवार को हुए ब्लास्ट मामले में जांच तेज हो गई है। फॉरेंसिक टीम की जांच में ये सामने आया है कि ब्लास्ट के लिए अमोनियो नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। मौके से क्राइम ब्रांच की टीम को आधा जला हुआ गुलाबी रंग का दुपट्टा और इजरायली दूतावास के नाम पर एक लिफाफा मिला है। सूत्रों के मुताबिक इस लिफाफे के अंदर से एक चिट्ठी भी बरामद हुई है। इसमें लिखा था, यह तो सिर्फ ट्रेलर है। फॉरेंसिक टीम की अब फिंगरप्रिंट की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी से दो संदिग्ध की पहचान भी की है। ये कैब से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने कैब ड्राइवर से पूछताछ शुरू कर दी है। इसके आधार पर संदिग्धों का स्केच तैयार किया जा रहा है। पुलिस ने देर रात कई इलाकों में छापेमारी भी की, दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मनोतर बुलेटिन। नमस्कार।